अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 का स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में आज हमने मेन टॉपिक जो पढ़ना है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड से पहले यहाँ पे एक बॉक्स है लुईस स्ट्रक्चर डायग्राम को, सबसे पहले वो देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ एटम्स इज शोन इन स्मॉल डॉट्स और क्रॉस अराउंड द सिंबल ऑफ एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की छोटे डॉट और क्रॉस लगा के एटम के गिर्द एलिमेंट के गिर्द जाहिर की जाती है। ईच डॉट और क्रॉस रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रॉन, हर डॉट और क्रॉस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज स्टैंडर्ड मेथड ऑफ लुईस डिस्क्राइब इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। एक स्टैंडर्ड मेथड है लुईस का जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिस्क्राइब करता है। इट इज़ कॉल्ड लुईस स्ट्रक्चर डायग्राम, इसे हम क्या कहते हैं, लुईस स्ट्रक्चर डायग्राम। एलिमेंट और एटम के गिर्द डॉट और क्रॉस लगा के उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को जाहिर करने को कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर डायग्राम। उसके बाद आता है मेन टॉपिक हमारा डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में सबसे पहले डेफिनेशन देखनी है, डोनर एंड एक्सेप्टर का कंसेप्ट है, उसके बाद लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का कंसेप्ट है, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले डेफिनेशन है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट और डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड के एक टाइप है इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली, जिसमें बॉन्ड का एक पेयर, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर जो है वो डोनेट किया जाता है। बॉन्डेड एटम इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन ने ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग की हुई है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन है। इन 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग की है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ, एक बॉन्डेड एटम हुआ। ये 2 इलेक्ट्रॉन ने भी बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लिया, तो ये क्या हुआ, लॉन पेयर। तो ये अगर नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर डोनेट करता है तो इस तरह की बॉन्डिंग जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। दोबारा बता दूं, नाइट्रोजन ने 5 उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 3 ने ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो जिन 3 ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन क्या हुआ, एक बॉन्डेड एटम हुआ। उसमें से 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन भी हैं जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लिया, हमने क्या कहेंगे, लॉन पेयर। अगर नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर डोनेट करता है तो इस तरह की बॉन्डिंग बॉन्डिंग होगी। द एटम विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर, एंड द एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। वो एटम